क्वेश्चन है विच मैंड्रिल इज मैन्युफैक्चर्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मैंड्रिल। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि मैंड्रिल की संख्या को कम करने के लिए किस मैंड्रिल का निर्माण किया जाता है। मगर जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमें एक ही मैंड्रिल में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब का अगर हमें टर्निंग कर सकते हैं, तो मतलब मैंड्रिल की संख्या कम करना, मतलब जैसे हर एक जॉब के लिए अलग अलग से मैंड्रिल की आवश्यकता पड़ती थी, हर एक डायमीटर के लिए अलग अलग मैंड्रिल की, तो ऐसा कौन सा मैंड्रिल है जिसमें हम अलग अलग डायमीटर के भी जॉब को होल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेपर्ड मैंड्रिल, दूसरा ऑप्शन है स्टेप मैंड्रिल, तीसरा ऑप्शन है सॉलिड मैंड्रिल और चौथा ऑप्शन है गैंग मैंड्रिल। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि मैंड्रिल की संख्या को कम करने के लिए किस मैंड्रिल का निर्माण किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टेप मैंड्रिल। स्टेप मैंड्रिल में कैसा होता है कि जैसे अलग अलग डायमीटर के स्टेप होते हैं, तो जॉब के हिसाब से हम कोई भी डायमीटर का जो जॉब रहता है वो स्टेप के ऊपर हम फिट कर सकते हैं, जिससे क्या होता है मैंड्रिल की संख्या कम हो जाती है, अलग अलग स्टेप के लिए अलग अलग मैंड्रिल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कि स्टेप मैंड्रिल के ऊपर हम अलग अलग डायमीटर के जॉब को होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सरफेस रफनेस सिंबल मार्क एज एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक सरफेस रफनेस का डायग्राम दिखाया गया है, इसमें जो एक्स दिखाया गया है इस एक्स का मान क्या है। तो ये हमारा डायग्राम है सरफेस रफनेस का, इसमें एक्स दिखाया गया है इस वाले पार्ट को, इसका वैल्यू क्या होता है, मतलब मान क्या होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ ले, दूसरा ऑप्शन है सैम्पलिंग लेंथ, तीसरा ऑप्शन है मशीनिंग अलाउंस, चौथा ऑप्शन है रफनेस वैल्यू। तो जो हमारा सरफेस रफनेस का जो सिम्बॉल है, इसमें हर एक जो लेटर दिया, हर एक लेटर का अलग अलग से मीनिंग होता है, तो इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया गया था, तो इसका मान होता है ऑप्शन नंबर बी सैम्पलिंग लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन लेंथ ओवर सेंटर लेंथ। सेंटर लेंथ की तुलना में प्रोडक्शन लेंथ का क्या एडवांटेज है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट इज मोर, मतलब मैन्युफैक्चर की जो कंपोनेंट की जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। फिर दूसरा ऑप्शन है द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट इज लेस, मतलब जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसकी कंपोनेंट उस प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है। फिर तीसरा ऑप्शन है इनिशियल कॉस्ट इज मोर और चौथा ऑप्शन है नॉट सुटेबल फॉर टूल रूम वर्क। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि सेंटर लेंथ की तुलना में प्रोडक्शन लेंथ का एडवांटेज क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट इज लेस, मतलब घटक की निर्माण लागत कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ अ चक दैट हैज अ हार्डन्ड स्टील स्लीव हैविंग स्लिट कट पार्टली। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि उस चक का नाम क्या है जिसमें कठोर स्टील की स्लीव होती है, जिसमें स्लिट्स के रूप में कट होते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कॉम्बिनेशन चक, दूसरा ऑप्शन है कॉलेट चक, तीसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक चक और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोलिक चक। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि उस चक का नाम क्या है जिसमें कठोर स्टील की, मतलब हार्ड स्टील की स्लीव होती है और जिसमें स्लिट्स के रूप में कट होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉलेट चक। कॉलेट चक में कट लगा होता है जिसमें डायरेक्टली जॉब हम छोटे आकार के जॉब उसमें फिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ अ प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन कैरी आउट बाय यूजिंग फाइन एब्रेसिव मटेरियल। क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि फाइन एब्रेसिव मटेरियल का उपयोग करके किए गए प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन का नाम क्या है, कौन सा फिनिशिंग ऑपरेशन करते समय हम सबसे फाइन एब्रेसिव का उपयोग करते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्राइंडिंग, दूसरा ऑप्शन है लैपिंग, तीसरा ऑप्शन है फाइलिंग और चौथा ऑप्शन है पॉलिशिंग। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइन एब्रेसिव मटेरियल का उपयोग करके हम कौन सा फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लैपिंग। लैपिंग करते समय बहुत ही फिनिश एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। तो स्क्रीन पर आपको लेथ मशीन का डायग्राम दिखाया गया है और इसमें जो एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया, तो इस पार्ट का नाम क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लीड स्क्रू, दूसरा ऑप्शन है फीड रॉड, तीसरा ऑप्शन है कैरेज और चौथा ऑप्शन है स्टॉप। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है लेथ मशीन के डायग्राम में, तो इसका सही नाम है ऑप्शन नंबर डी स्टॉपर। तो ये जो कही गई लेथ मशीन में यहाँ पर स्टॉपर दिया जाता है जिससे मशीन को चालू और बंद करने में इसका उपयोग किया जाता है, तो इस पार्ट का नाम है स्टॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो स्क्रीन पर आपको एक प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर का डायग्राम दिखाया गया है और इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया इस पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेजल, दूसरा ऑप्शन है एनविल, तीसरा ऑप्शन है स्टीम, चौथा ऑप्शन है प्लंजर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में एक्स के रूप में दिखाए गए पार्ट का नाम क्या है, तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी प्लंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ
प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सिस्टम। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सिस्टम का एडवांटेज क्या है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इम्प्रूव क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा ऑप्शन है रिड्यूस द मैन पावर फॉर द मेंटेनेंस, तीसरा ऑप्शन है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस और चौथा ऑप्शन है रिड्यूस द लाइफ ऑफ मेंटेनेंस। तो क्वेश्चन में को जो पूछा गया था कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सिस्टम का क्या एडवांटेज होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रूव क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब उत्पादन की उत्पाद की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार करता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द टरेट हेड इन टरेट लेथ जनरली माउंटेड, टरेट लेथ मशीन में टरेट हेड आमतौर पर कहाँ फिट किया जाता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्लाइड, दूसरा ऑप्शन है सैडल, तीसरा ऑप्शन है रैम और चौथा ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि टरेट लेथ मशीन पर टरेट हेड आमतौर पर कहाँ फिट किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट इज असेंबल इन कंपाउंड रेस्ट अदर देन कंपाउंड स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड के अलावा कंपाउंड रेस्ट में कौन सा पार्ट असेंबल किया जाता है जो क्वेश्चन में पूछा है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सुवेल बेस, दूसरा ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड, तीसरा ऑप्शन है सैडल और चौथा ऑप्शन है एप्रॉन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कंपाउंड स्लाइड के अलावा कंपाउंड रेस्ट में कौन सा पार्ट असेंबल किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुवेल बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डोज M20 स्टैंड फॉर, M20 का अर्थ क्या होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ये हमारा एक मेट्रिक थ्रेड का साइज दिया गया है, तो इसका पूरा मीनिंग क्या होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, उसके लिए पहला ऑप्शन है मेट्रिक थ्रेड 20 मिलीमीटर डायमीटर, मतलब एम मतलब मेट्रिक थ्रेड और 20 मिलीमीटर उसका डायमीटर, दूसरा ऑप्शन है मेट्रिक थ्रेड 20 मिलीमीटर लेंथ, मतलब मेट्रिक थ्रेड जिसकी लंबाई 20 mm है, और तीसरा ऑप्शन है मेट्रिक थ्रेड 20 मिलीमीटर पीच, मतलब मेट्रिक थ्रेड है जिसका 20 मिलीमीटर पीच है, और चौथा ऑप्शन है मेट्रिक थ्रेड 20 मिलीमीटर लीड। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि M20 का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेट्रिक थ्रेड 20 मिलीमीटर डायमीटर, मतलब एम मतलब होता है मेट्रिक थ्रेड और इसका जो साइज दिया गया 20 मिलीमीटर, तो थ्रेड का मेजर डायमीटर है 20 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पैटर्न ऑफ द वर्क सरफेस केस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द कटिंग टूल, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कटिंग टूल की गति के कारण काम की सतह के पैटर्न का नाम क्या है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सरफेस टेक्सचर, दूसरा ऑप्शन है रफनेस, तीसरा ऑप्शन है रफनेस फेसिंग और चौथा ऑप्शन है वेविनेस। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कटिंग टूल की गति के कारण काम की सतह के पैटर्न का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरफेस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंटर लेथ मार्क एक्स, तो स्क्रीन पर आपको एक सेंटर लेथ का डायग्राम दिखाया गया है, तो इसमें एक्स के रूप में एक लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन दिया गया है, तो ये कौन सा स्पेसिफिकेशन है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, इसके लिए पहला ऑप्शन है स्विंग ओवर बेड, दूसरा ऑप्शन है डायमीटर ऑफ वर्क, तीसरा ऑप्शन है स्विंग ओवर कैरेज और चौथा ऑप्शन है साइज ऑफ स्पिंडल बोर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सेंटर लेथ मशीन की जो स्पेसिफिकेशन है, तो एक्स के रूप में दिखाया गया स्पेसिफिकेशन का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्विंग ओवर बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द केस ऑफ स्मॉल पार्टिकल ऑफ द मटेरियल बिकमिंग एम्बेड इन द स्पेस बिटवीन द ग्रेन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेसिव के बीच स्थान में पदार्थ के छोटे छोटे कणों के अर्थात स्थापित होने का कारण क्या है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्लेजिंग, दूसरा ऑप्शन है लोडिंग, तीसरा ऑप्शन है ग्रोविंग और चौथा ऑप्शन है ड्रेसिंग। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ग्राइंडिंग व्हील के दानों के बीच के स्थान में पदार्थ के छोटे छोटे कणों के अर्थात स्थापित होने का कारण क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन ऑफ मशीन बी रिड्यूस्ड, क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि मशीनों के ब्रेक अप्रत्यक्षित ब्रेकडाउन को किस तरह से कम किया जा सकता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन को किस तरह से कम कर सकते हैं हम प्रोडक्शन में, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बाय प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने से ब्रेकडाउन कम हो जाता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है बाय ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, तीसरा ऑप्शन है बाय प्रोडक्टिव मेंटेनेंस और चौथा ऑप्शन है बाय क्वालिटी मेंटेनेंस। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ कैन द अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन ऑफ मशीन बी रिड्यूस, मतलब अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाय प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जैसे टाइम टेबल के हिसाब से किया जाता है, तो इस तरह से जो मेंटेनेंस किया जाता है इससे क्या होता है अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ फिट इफ द मिनिमम साइज ऑफ होल इज लार्जर देन मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट,
क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि फीट का प्रकार क्या है, यदि होल का न्यूनतम आकार शाफ्ट के अधिकतम आकार से बड़ा होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्लियरेंस फिट, दूसरा ऑप्शन है इंटरफेरेंस फिट, तीसरा ऑप्शन है ट्रांजेक्शन फिट और चौथा ऑप्शन है फोर्स फिट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि उस फिट का नाम क्या है जिसमें होल का न्यूनतम आकार शाफ्ट के अधिकतम आकार से बड़ा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्लियरेंस फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जॉ ऑफ थ्री जॉ चक इज यूज टू होल्ड अ हॉलो जॉब। हॉलो जॉब को होल्ड करने के लिए थ्री जॉ चक के किस जॉ का उपयोग किया जाता है। जो जॉब हॉलो जॉब होता है उसे अगर हमें थ्री जॉ चक में पकड़ना है तो उस समय थ्री जॉ चक के कौन से जॉ को जॉ के सहायता से जॉब को पकड़ा जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मूवेबल जॉ, दूसरा फिक्स जॉ, तीसरा एक्सटर्नल जॉ, चौथा ऑप्शन है इंटरनल जॉ। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि हॉलो जॉब को होल्ड करने के लिए थ्री जॉ चक के किस जॉ का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंटरनल जॉ। अगर कोई हॉलो जॉब हमें पकड़ना है तो जो हमारा चक का जो जॉ होता है, जॉ का जो इंटरनल वाला भाग होता है, इंटरनल वाले भाग की सहायता से हॉलो जॉब को पकड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन थ्री जॉ चक। तो थ्री जॉ चक का आपको एक डायग्राम दिखाया गया है स्क्रीन पर, इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जॉ, दूसरा ऑप्शन है बैक प्लेट, तीसरा ऑप्शन है पिनियन और चौथा ऑप्शन है क्राउन व्हील। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए थ्री जॉ चक में एक्स के रूप में दिखाए गए पार्ट का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्राउन व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ सेंटर इज यूज एट अ एंड ऑफ द जॉब इफ नो काउंटर सिंक होल इज परमिटेड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कार्य के अंत में किस प्रकार के सेंटर का उपयोग किया जाता है यदि काउंटर सिंक होल की अनुमति नहीं होती है। तो अगर जैसे कोई भी सेंटर हम जब यूज करते हैं तो इसके लिए सेंटर होल किया जाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कोई भी जॉब के ऊपर अगर सेंटर होल दिया नहीं है तो उस समय कौन से सेंटर का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन इंसर्ट टाइप सेंटर, दूसरा ऑप्शन है रिवॉल्विंग सेंटर, तीसरा ऑप्शन है फीमेल सेंटर और चौथा ऑप्शन है बॉल सेंटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कोई भी जो जॉब हमारा होता है जॉब के फेस में अगर सेंटर होल नहीं दिया गया तो उस समय कौन से सेंटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फीमेल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर लैपिंग टूल प्रोवाइडेड ग्रू। लैपिंग टूल को ग्रू क्यों प्रदान किया जाता है, मतलब लैपिंग टूल में जो ग्रू होता है तो वो ग्रू किस तरह किस लिए दिया जाता है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्सपांशन के लिए, दूसरा ऑप्शन है फॉर अकोमोडेट लैपिंग कंपाउंड, तीसरा ऑप्शन है क्लियरेंस के लिए और चौथा ऑप्शन है प्रिवेंट डैमेज के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लैपिंग टूल में ग्रू क्यों दिए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर अकोमोडेट लैपिंग कंपाउंड, मतलब लैपिंग कंपाउंड को समायोजित करने के लिए लैपिंग टूल में ग्रू दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ फिट इन एक्सप्रेशन 75 कैपिटल H8/J7। तो क्वेश्चन में एक साइज दिया गया है, तो इस साइज से हमें पता करना है कि ये कौन से टाइप का फिट है। तो साइज क्या दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं 75H/j7। तो इससे हमें पता करना है कि फिट का प्रकार क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ट्रांजेक्शन फिट, दूसरा ऑप्शन है क्लियरेंस फिट, तीसरा ऑप्शन है इंटरफेरेंस फिट और चौथा ऑप्शन है फोर्स फिट। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि जो साइज दिया गया साइज के हिसाब से फिट का प्रकार कौन सा है, तो साइज था हमारा 75H8/j7। तो इसका जो फिट होता है तो इस फिट का नाम है ऑप्शन नंबर ए ट्रांजेक्शन फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कैरेज इज ओनली फॉर पॉसिबल मैनुअल ऑपरेशन। कैरेज का कौन सा पार्ट है जो केवल मैनुअल ऑपरेशन ही कर सकते हैं मैनुअली। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एप्रॉन, दूसरा ऑप्शन है सैडल, तीसरा ऑप्शन है टॉप स्लाइड और चौथा ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि कैरेज का वह कौन सा भाग है जिसको हम केवल मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टॉप स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेशन। तो स्क्रीन पर आपको एक लुब्रिकेशन का डायग्राम दिखाया गया है, तो ये कौन से टाइप का लुब्रिकेशन है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑयल कप, दूसरा ऑप्शन है विक फीड, तीसरा ऑप्शन है स्प्लैश लुब्रिकेशन और चौथा ऑप्शन है मैनुअल स्क्रू डाउन ग्रीसर। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया लुब्रिकेशन का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑयल कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेथ एसेसरी इज यूज टू क्लैम्प द फिक्चर। फिक्चर को क्लैम्प करने के लिए किस लेथ एसेसरीज का उपयोग किया जाता है। अगर हमें लेथ मशीन पर फिक्चर का उपयोग करना है तो फिक्चर को क्लैम्प करने के लिए कौन से लेथ एसेसरीज का उपयोग किया जाता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्री जॉ चक,
दूसरा ऑप्शन है फोरजा चक, तीसरा ऑप्शन है फेस प्लेट और चौथा ऑप्शन है कॉलेट चक। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि फिक्चर को क्लैंप करने के लिए किस लेत एसेसरीज का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेस प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सिस द टूल मूव इन टेपर टर्निंग अटैचमेंट। टेपर टर्निंग अटैचमेंट में टूल किस एक्सिस पर चलता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू लेथ एक्सिस, मतलब लेथ एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर चलता है। दूसरा ऑप्शन है लेथ एक्सिस के साथ पैरेलल चलता है, या फिर तीसरा ऑप्शन है लेथ एक्सिस के साथ एंगुलर चलता है, या फिर चौथा ऑप्शन है लेथ एक्सिस के साथ वर्टिकल पोजिशन में चलता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट में टूल किस एक्सिस पर काम करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंगुलर टू लेथ एक्सिस, मतलब लेथ एक्सिस के साथ एंगल में मूवमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक गियर ट्रेन का डायग्राम दिखाया गया है, तो इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया गया गियर है, ये कौन से टाइप का, इस गियर का नाम क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्राइवर गियर, दूसरा ऑप्शन है मेन स्पिंडल, तीसरा ऑप्शन है स्पिंडल गियर और चौथा ऑप्शन है टम्बलर गियर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए एक्स के रूप में इस गियर का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पिंडल गियर। तो सबसे ऊपर स्पिंडल गियर होता है, इसके बाद आपको जो दो गियर दिखाई दे रहा है, तीन गियर का सेट, ये हमारा होता है टम्बलर गियर। उसके बाद आता है ड्राइवर, उसके बाद आता है आइडलर और उसके बाद आता है ड्रीवन गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज टू सपोर्ट हॉलो एंड जॉब। हॉलो एंड जॉब को सपोर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बॉल सेंटर, दूसरा ऑप्शन है पाइप सेंटर, तीसरा ऑप्शन है फीमेल सेंटर और चौथा ऑप्शन है टिप सेंटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हॉलो एंड जॉब को सपोर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाइप सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M24 इन M24 × 3 सिंगल स्टार्ट थ्रेड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया कि M24 × 3 सिंगल स्टार्ट थ्रेड है, जिसमें M24 का अर्थ क्या होता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसमें एक साइज दिया गया है M24 × 3, तो इसमें से जो M24 है, तो इसका अर्थ क्या होता है, मतलब मीनिंग क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कोर डायमीटर ऑफ थ्रेड, मतलब थ्रेड का माइनर डायमीटर। दूसरा ऑप्शन है मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड, मतलब थ्रेड का मेजर डायमीटर, या फिर थ्रेड का इफेक्टिव डायमीटर, या फिर चौथा ऑप्शन है थ्रेड का डेप। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि M24 × 3 सिंगल स्टार्ट थ्रेड में M24 का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड। कभी भी जो भी साइज दिया जाता है थ्रेड का, जैसे एम के साइड में जो भी साइज दिया जाता है, तो एम का मतलब होता है मेट्रिक थ्रेड, और उसके साइड में जो भी साइज दिया जाता है वो होता है थ्रेड का मेजर डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक मैकेनिकल इंडिकेटर का डायग्राम है, तो इसमें जो एक्स के रूप में पार्ट दिखाया गया है मैकेनिकल इंडिकेटर में, तो इस पार्ट का नाम क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेजरिंग स्टाइलस, दूसरा ऑप्शन है स्किड, तीसरा ऑप्शन है इंडिकेटर स्केल और चौथा ऑप्शन है एडजस्टमेंट स्क्रू। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि मैकेनिकल इंडिकेटर में एक्स के रूप में दिखाए गए पार्ट का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्किड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क होल्डिंग मेथड इज टू बी यूज इफ हाई डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रिसिटी इज नीडेड। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी कार्यधारण विधि का उपयोग किया जाता है अगर हमें हाई कॉन्सेंट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा ऑप्शन है फोरजा चक, तीसरा ऑप्शन है थ्रीजा चक और चौथा ऑप्शन है इन बिटवीन सेंटर। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि कौन सी कार्यधारण विधि का उपयोग किया जाता है जब अगर हमें हाई कॉन्सेंट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, हाई डिग्री की कॉन्सेंट्रिसिटी अगर हमें चाहिए तो किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन बिटवीन सेंटर, मतलब दोनों सेंटर के बीच में जॉब को पकड़ कर किया जाता है, जिससे हाई डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रिसिटी आ जाता है, मतलब एकदम एक्यूरेटली अगर हमें जॉब तैयार करना है तो सेंटर बिटवीन सेंटर के बीच में जॉब को पकड़ कर जॉब को किया जाता है। इस तरह से आज की क्लास में हमने आपको इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, और इसी तरह के डेली क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इसी तरह की क्लास हम आपको DRDO के एग्ज़ाम होने तक करवाएंगे।